आज मैं आपको शादी पार्टी और त्योहारों के लिए एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ, वो भी इतने आसान तरीके से कि आप देखते ही इसे बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको नॉर्मली ब्लाउज की तरह कटिंग करके रखना है, बस गले को छोड़ देना है। जैसे मैंने इसमें गले की कटिंग अभी नहीं की है, तो बस जैसे नॉर्मली ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे करके रख लीजिए। और उसके बाद अब लेना है आपको बकरम, तो ये ले लीजिए हमने बकरम। बकरम को डबल फोल्ड करके रखिए और इसे मैं अभी साइड से रख देती हूँ। तो जितना गले की चौड़ाई आप रखते हैं उसी के हिसाब से आपको निशान लगाना है। जैसे कि मुझे तैयार करना है 3.25 इंच में, तो ये निशान लगा लिया हमने 3.25 इंच का। और लंबाई में जितना आप गले को पसंद करते हैं उतना निशान लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 12 इंच, तो ये निशान लगा दिए हमने एक 12 इंच पर। अब यहाँ पर 3.25 इंच रखा है, यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा कर रखेंगे, तो ये निशान लगा देंगे हम 3.25 इंच पर। तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच बढ़ा कर रखना है जिससे डीप का शेप आ जाएगा। उसके बाद इस लाइन को मिलाना है इस तरह। तो इस तरह आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर गुलाई दे देंगे, इस तरह इसमें गुलाई बनाना है। गुलाई बनाने के बाद यहाँ पर चूड़ियों से डिजाइन बनाएंगे जिससे बनाने में बहुत आसानी होगी। इस तरह आपको मिलाकर रखते जाना है। इस लाइन के बीच सेंटर से इसको रखना है और यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ना है सिर्फ। इस तरह एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद इसी लाइन को फॉलो करते जाना है आपको, जो गले की गुलाई है ना, बस उसी को फॉलो करते जाइए। और यहाँ पर इस तरह बस बीच सेंटर से आपको रखते जाना है। ये जो लाइन है वो बीच में रखना है आपको, बस इस तरह मिलाकर रखिए और इसका शेप बनाते जाइए। तो इस तरह दबाना है आपको और इधर से गुलाई हल्के हाथों देते हुए इधर आना है। इस तरह इसकी डिजाइन बनाना है। उसके बाद बस आपको इसी लाइन के हिसाब से इसकी कटिंग करते जाना है। इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर दीजिए। तो इस तरह आपको इसे काट कर निकाल लेना है। अब उठाना आपको एक प्लेन कपड़ा और बकरम को उस पर चिपकाना है। प्लेन कपड़े को आपको अच्छे से फैला कर रखना है और उस पर बकरम को सेट करना है। और इसमें ध्यान देना है कि जो रबड़ प्रिंट होता है वो नीचे की साइड रहेगा, जिससे प्रेस से चिपक जाता है। इस तरह आपको अच्छे से इसको सेंटर से मिला कर रखना है और फिर इस पर प्रेस करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कपड़ा सेंटर से हो। इस तरह बकरम से इसको चिपका दीजिए और फिर यहाँ पर मार्जिन को बढ़ाते हुए इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको इस पे प्रेस करना है जिससे इसका मार्जिन भी अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें सिलाई डाल सकते हैं जिससे अच्छे से इसमें चिपक जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको इस तरह पकड़ना है, मिलाते हुए पकड़िए और बीच में एक कट लगा लीजिए जिससे आपको पता रहेगा कि ये इसका बीच का सेंटर है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं या चाहें तो एक लाइन भी बना सकते हैं कि ये हो गया इसका बीच का सेंटर। अब उठाएंगे हम ब्लाउज के पीछे के पार्ट को। ये है ब्लाउज के पीछे का पार्ट, तो ये इसका सीधा है और ये उल्टा है। अब इसके ऊपर उल्टा इस तरह रख देंगे, अच्छे से इस तरह मिलाकर रखना है आपको। तो पीछे के साइड हमने अच्छे से अस्तर को जमा दिया है। इस तरह जमाने के बाद अब इसको पलट के इस तरह रख लेंगे, इसे अपनी साइड रख लिया है।
अब उठाना है डिजाइन को और इसके ऊपर मिलाकर रखना है इस तरह। अब इसका जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर आपको मिलाकर रखना है जिससे ये टेढ़ा ना हो, इस तरह मिलाकर रखिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर दो पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल लेना है। तो इसी तरह आपको काट कर इसको पूरे को निकालना है। इस तरह हमने इसको काट कर निकाल दिया है। अब अच्छे से आपको पकड़ना है और जगह जगह पे पिन लगाना है जिससे ये कपड़ा सेट हो जाएगा और फिर ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इस तरह आपको पिन से इसे रोक लेना है। अब उठाएंगे हम गोल्डन कलर की डोरी। तो ये ले ली हमने गोल्डन कलर की डोरी। आप चाहें तो कपड़े से भी डोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस तरह के लूप्स बनाना है। तो इस तरह आपको छोटे छोटे से लूप्स बनाकर यहाँ पर लगाना है। तो जितने इसके कॉर्नर हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डोरी को काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह हमने 9 डोरियों को काट कर निकाल लिया है। यहाँ पे 9 लूप्स लगकर तैयार होंगे। तो आपको इस तरह रखना है, इस तरह पकड़िए और अंदर की साइड इसको रखते जाइए, ये कपड़े की साइड रहेंगे। और इसके ऊपर से हम सिलाई डालते जाएंगे। यहाँ से आपको रखना है, तो फिर देखिए आप एक बार कि इस तरह आपको रखना है कि कटा हुआ बाहर की साइड रहेगा और एक गुलाई से है जो कपड़े की साइड रहेगा। इस तरह पकड़ कर रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। बस रखते जाइए और सिलाई डालते जाइए जिससे इसमें सारे सेट हो जाएंगे। इस तरह आपको 2-2 इंच की डोरी को काट कर निकालना है और 2 पॉइंट की सिलाई को डालते हुए लूप्स को सेट कर देना है। अब आपको उठाना है इसकी डिजाइन और इसके ऊपर रखना है। इस तरह मिलाकर रख दीजिए, इस तरह मिलाकर पकड़िए और इसी सिलाई के ऊपर डालते जाइए। जो भी हमने सिलाई डाली थी वैसे ही आपको सिलाई डालना है और उसी के ऊपर फिर सिलाई को चलाते जाना है इस तरह। अब सिलाई बकरम के नीचे नीचे चलाना है। सिलाई आपको बकरम पर नहीं चलाना है, बकरम के नीचे नीचे चलाना है और बस मिलाते हुए इसको सेट करते जाएंगे। इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद आप गुलाई में कट लगा दीजिए। गुलाई में कट लगाने से ये बहुत जल्दी से पलट जाएगा। हर गुलाई में 2-2, 3-3 कट लगाना है आपको। इस तरह कट लगाना है और फिर इसको अंदर की साइड इस तरह पलट देना है। इस तरह पलटते जाइए। इस तरह पलटने के बाद पीछे की साइड आपको सेट करना है और हल्की हल्की इस पे प्रेस लगा देना है जिससे बहुत अच्छे से चिपक कर बैठ जाएगा। अब मैं इसमें प्रेस लगा देती हूँ। प्रेस करने के बाद अब आपको लेस लेना है। लेस इसके किनारे से रखते जाइए इस तरह और जो कॉर्नर आता है उसके पास से आपको इस तरह टर्न करना है। बस मिलाते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। यहाँ पर आएंगे जैसे तो आपको इधर कॉर्नर बनाना है और इसको बस मोड़ते हुए सेट करते जाना है इस तरह। यहाँ से इस तरह टर्न करते हुए आपको ले जाना है बस। इस तरह आपको इसमें लेस लगाकर इसको तैयार करना है। लेस लगाने के बाद अब आपको फिटिंग की प्लेटें डालना है। दोनों साइड प्लेटें डाल दीजिए। तो जो प्लेट इस साइड है उसी को हम इस साइड लाएंगे। अब इसी टक्स को डार्क करेंगे और दूसरी साइड पलट देंगे। ये टक्स इस साइड भी आ गई है। अब दोनों टक्स को बना देंगे।
तो इसकी हमने दोनों प्लेटें बना दी हैं और नीचे से इसको कंप्लीट कर दिया है, बॉर्डर लगाकर इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको उठाना है डोरी, तो डोरी आपको कैसे लेना है इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने इसको चार लेयर में कर दिया है और इस तरह आपको चेक करना है और यहाँ पर आप 4-6 इंच एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, जिससे नीचे बनने के बाद लटकती रहेगी थोड़ा, जिससे इसका लुक बहुत सुंदर आएगा। और फिर नीचे की साइड आपको इसमें लटकन लगाना है। अब डोरी को कैसे डालना है यहाँ पे देखिए, इस तरह आपको दोनों डोरी के छोर को पकड़ना है और इस तरह डालते जाना है। अब इस डोरी को इस साइड डालना है, फिर इस डोरी को इस साइड और इस डोरी को इस साइड, इस तरह आपको डोरी डालकर इसको तैयार करना है। बस यहाँ से खींचते जाइए जिससे डोरी आपको नीचे की साइड मिलती जाएगी। नीचे के लूप्स में आपको दोनों डोरी को पकड़ के बांध देना है और नीचे की साइड इसमें लटकन लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो गया है सिर्फ एक चूड़ी की मदद से। इस तरह आप इसे किसी भी ब्लाउज में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बेल्ट ब्लाउज में, कटोरी ब्लाउज में या प्रिंसेस कट ब्लाउज में, और आप इसे मेरे पैटर्न से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।